स्टूडेंट्स आई एम गुंजन टंडन वेलकम टू माई चैनल गुंजन गुरुकुल इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एपिथीलियल टिश्यू एंड कल्यूमनर एपीथीलियल टिश्यू स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन की बायोलॉजी का चैप्टर सिक्स टिश्यूज जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्लान टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज अब हम एनिमल टिश्यूज में हमने टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था और उसमें हमने टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू में जो है सबसे पहला टाइप एपिथीलियल टिशू स्टार्ट किया था और एपिथीलियल टिश्यू में हमने उसका फर्स्ट काइंड स्क्वैमस एपिथीलियल पढ़ा था राइट right? फिर हमने स्क्वैमस एपिथीलियल में डिस्कस किया था सिंपल स्क्ैमस एपिथीलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्ैमस एपिथीलियल टिश्यू आज हम सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे दैट इज क्यूबॉडिल एपिथीलियल टिश्यू एंड द थर्ड टाइप इज कल्यूमनर एपिथीलियल टिश्यू मीन्स इस वीडियो में हम टू काइंड ऑफ एपिथीलियल टिश्यू को स्टडी करेंगे नो लेट स्टार्ट क्यू बॉडियल एपीथीलियल टिशू है ना एपीथीलियल टिश्यू हमने पढ़ा था कि मींस जितने भी ह्यूमन बींग्स और जो भी एनिमल्स हैं उनकी जो आउटर कवरिंग जो बनी होती है जिन सेल्स की वो सारी सेल्स मिलकर जो एक टिश्यू बनाती हैं वो सारी कवरिंग जो है हमारी बॉडी की चाहे वो नेल्स हेयर्स या इन in, इनसाइड जो हमारे ऑर्गन्स या बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सब एपीथीलियल टिश्यू से बने होते हैं क्यों क्योंकि इनका काम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी ओके okay, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और प्रोटेक्ट करते हैं अब एपिथिलियल टिश्यू के काइंड हमें पता है कि कौन कौन से थे उसमें से अब हम क्यूबॉडियल एपिथीलियल टिश्यू को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आइए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि क्यूबॉडियल क्यूबॉडियल मीन्स क्यूब वाइट है ना क्यूब शेप होगा ठीक है जैसे कि हमने आइस क्यूब देखते हैं ना ठीक वैसे ही इसका शेप होता है यहाँ पे क्लियर नहीं बन पाएगा तो आप समझ लीजिए आपने आइस क्यूब देखा है ठीक वैसे ही ये जो है सेल्स का शेप होता है क्यूब शेप्ड है ना ये देखिए ये क्यूब शेप्ड है ठीक है देन अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की फंक्शन क्या होता है इनका थ्री मेन फंक्शंस होते हैं इनके दैट इज सिक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन एंड फिल्ट्रेशन है ना ये थ्री मेन जो है फंक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पहली बात तो ये ग्लैंड्स या किडनीज में ठीक है और वहाँ पे भी ग्लैंड से जो भी ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होता है उस सिक्रीशन को ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं किडनी का काम हमें पता है वहाँ पे जो भी जो वेस्ट बनता है बॉडी का उसको एक्सक्रीट करना उसको पहले फिल्टर करना फिर बॉडी से जो है एक्सक्रीट करना तो ये काम जो है क्यों बॉडी लेपिथीलियल टिश्यू करते हैं ना सी द लोकेशन लोकेशन जैसे कि अभी हमें पता चला कि ये ग्लैंड्स और डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं स्पेशली कहाँ पे पैनक्रियाज एंड सेलिवरी ग्लैंड सेलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं माउथ में है ना यानी ये मुंह में प्रजेंट्स होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना तो उस ग्लैंड में ये क्यू बॉडी लेपिथीलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है राइट सेकेंड इज़ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड इट ऑल्सो कवर्स द ओवरीज तो दीज आर द मेन लोकेशन ऑफ दिस क्यूबॉडियल एपिथीलियल टिश्यू एंड द फंक्शन इनका कैसा होता है दे प्रोवाइड दे हेल्प इन secretion एंड ट्रांसपोर्टेशन इन glands एंड also फिल्ट्रेशन इन किडनीज और इनका स्ट्रक्चर कैसा था क्यूब शेप्ड सेल होती हैं इनकी है ना आइस क्यूब के लायक यानी एक दूसरे से इस तरीके से ये जुड़ी होती हैं देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर न्यूक्लियस है है ना और ये क्या साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म के बाद देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन आ रही है ना हमने पढ़ा था ना जितनी भी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हैं वो किस पर उनको एक प्लेटफॉर्म किस चीज़ का होता है जो भी उनको प्लेटफॉर्म मिला होता है जिसके ऊपर वो अरेंज्ड होती हैं एपिथेलियल सेल्स उसको क्या कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन ये जो ग्रे कलर की सेल है जो ग्रे कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है दैट इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन और दैट विल बी प्रेजेंट इन ऑल द एपिथेलियल टिश्यू राइट Now come to the second type of epithelial tissue that is a columnar epithelial tissue. Columnar इसको भी देखें नाम से आप बहुत अच्छे से identify कर सकते means column shaped है ना column shaped means इनकी length ज़्यादा है width कम है है ना ध्यान से देखिए इसको ये ये वाली सेल्स को देखिए लेंथ में ज़्यादा है ये और इनकी वर्थ कम है जबकि हमने क्यूबॉडियल में कैसा देखा था क्यूबॉडियल जितनी ही लंबी जितनी लंबी थी उतनी ही ज़्यादा उनकी वृथ भी थी यानी उनकी लेंथ और उनकी वर्थ इक्वल थी ठीक है तो ये डिफरेंस हो गया कोल्यूमना एंड और क्यूबॉडियल में राइट अब इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं यहाँ पे दीज आर इलांगेटेड लेयर ऑफ सेल्स विद न्यूक्लिया एंड एट सेम लेवल ठीक है ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा है दिस इज द न्यूक्लियस दिस इज द न्यूक्लियस ये इसका न्यूक्लियस हो गया ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म और ये इलांगेटेड और कल्यूमर सेल्स ऑफ एपिथीलियल राइट अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है दे हेल्प इन एब्जॉर्बशन प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन ओके क्या काम होता है इनके थ्री मेन फंक्शंस कौन से हैं एब्जॉर्बशन प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन नेक्स्ट इसका पॉइंट है व्हेन ओपन टू बॉडी कैविटीज़ कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन है ना जब ये बॉडी कैविटीज़ है ना जब ये बॉडी के अंदर एक कैविटीज के फॉर्म में जब ये बनती हैं तो इनको क्या कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन इनका नाम वहाँ पर क्या हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन दे सिक्रीट म्यूकस राइट right. अब इसका स्पेशल फीचर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं हम माइक्रोविलाई प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई मींस बम्पी एक्सटेंशन ऑफ एपिकल सरफेस विच इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्बन रेट है ना इसको हम और क्लियर करेंगे इसी के बेस पर ही है एक और टाइप का आपको एपिथेलियल टिश्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये देखिए यहाँ पे बात आ रही माइक्रोबिलाईज प्रेजेंट होते हैं किसी किसी एपिथेलियल टिश्यू में है ना एपिकल सरफेस अपर सरफेस में जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सर्फस एरिया बढ़ने से जो इनका मेन काम है एब्जॉर्बशन है ना उसका जो है रेट बढ़ जाता है मीन्स जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्बशन होगा जो भी बॉडी से सिक्रीशंस हो रहे हैं ग्लैंड से सिक्रीशंस हो रहे हैं राइट ये गॉब्लेट सेल सिंगल सेल्स ग्लैंड प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव म्यूकस है ना जो जो म्यूकस की यहाँ पे बात हो रही है वो कौन कौन से सेल से क्रिएट करती हैं गॉब्लेट सेल एंड सिंगल सेल ग्लैंड राइट इनकी लोकेशन कहाँ है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग ऑफ एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना लाइनिंग ऑफ एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका मेन जो है लोकेशन ये जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी ये लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं ना जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्टिव ट्रैक जितना है उसमें सब में इनर लाइनिंग जो है वो किसकी होती है सिंपल कल्यूनर एपिथीलियम की और कैसी होती है ये लेंथ में ज़्यादा वेट में कम होती है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ये इनका क्या है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बताया था ना हर एपीथीलियल टिश्यू का जो एक प्लेटफॉर्म होगा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या काम होता है न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड सप्लाई को ब्लड सप्लाई करना ठीक है सेल्स को और जो सेल्स टिश्यू मिलकर बना रही हैं ठीक है ठीके? ये क्लियर हो गया सिंपल एंड सॉरी कल्यूमनर एपीथीलियल टिश्यू एंड क्यूबोइडल एपीथीलियल टिश्यू ठीक है हमने दोनों की सेल्स देख ली ये क्यूब शेप्ड होती हैं ये इलोंगेटेड होती हैं कॉलम शेप्ड होती हैं राइट यहाँ पे देख लेते हैं ये देखिए ये कितना क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है ये दीज आर क्यूब शेप्ड दीज ऑल आर क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस एंड उसमें ये देखिए ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ठीके? ठीक है ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है कल्यूमनर एपिथीलियम कॉलम शेप्ड है ये देखिए जितनी भी ये अरेंज है सब कॉलम शेप्ड हैं ठीक है ठीके? इसमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्मा आपको दिख रहा है ठीक है और ये देखिए ये ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यूबॉडियल एंड कल्यूनर दोनों में है ना ये जो ब्लू कलर की ग्रे कलर की एक लाइनिंग से आपको दिख रही दैट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं हम हाँ, सिलियेटेड एपिथीलियल टिश्यू सिलिएटेड एपिथिलियल टिश्यू क्या है If any cells है ना, if any cells have one surface covered with cilia, जब किसी cell की एक surface cilia से covered होती है तो उनको हम ciliated cell कहते हैं ठीक है मान लीजिए ये एक cell है ठीक है ये एक cell है है ना इस तरीके से वो क्यूब शेप ही मान लेते हैं क्योंकि जो सिलियेटेड एपिथिलियल है वो क्यू, क्यू, क्यूब क्यूबॉइडल क्यूब शेप या कल्यूमर दोनों ही फॉर्म में हो सकती है ठीक है अब हम इसके ऊपर बना देते हैं ये इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो ये हेयर लाइक -like जो ग्रोथ है ये क्या हो गई ये हो गई सीलिया और सेल की जो एक साइड में ये प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं वन साइड में प्रेजेंट होता है ये कवर है तो इसको हम कहेंगे सीलिएटेड सेल राइट सीलिया है क्या बेसिकली इट इज अ स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ हेयर है ना एक हेयर ग्रोथ है जो हेल्प करती है जो मूवमेंट करती है क्लीनिंग का काम करती है ठीक है क्लियर नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है सिंपल सेल्स, दीज आर फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ है ना फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ मैंने बताया ना किसी भी सेल के देख लीजिए इस डायग्राम में भी देख लीजिए इट इज क्लियर ये ये टाइनी हेयर्स जो ये बने हैं दीज आर सीलिया इसमें भी देख लीजिए ये दीज आर सीलिया है ना ठीक है रैपिड रिदमिक वेब लाइक बीटिंग्स है ना इनका क्या काम होता है ये जो है जैसे सपोज लीजिए इस तरीके से ये मूव करते रहते हैं ये इनका काम होता है इस तरीके से ये वेव्स की तरह जो है हिलती रहती हैं है ना और जो है क्या करती हैं रैपिड मूवमेंट इनका होता है एक रिदम में है ना वन साइड टू अदर साइड ये जो है जो हिलती रहती मूव करती रहती वेव आती है ना जैसे हमने देखी ना सी में ठीक उसी तरीके से ये इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ म्यूकस ये क्या करती है म्यूकस का जो है मूवमेंट पूरी बॉडी में जहाँ भी ये प्रेजेंट होती है यानी उस लाइनिंग uh, को उस कवरिंग को जो है ये स्मूद uh, रखती है म्यूकस से है ना मतलब म्यूकस से मतलब दैट मीन्स उसको uh, एक वैक्स लाइक -like, uh, जो है उसकी uh, जो सरफेस को क्लीन रखती है है ना एक जेल लाइक प्रोडक्ट देने के बाद जो है उसमें एक सरफेस uh, को जो है वो स्मूथ बना के रखती है अंडरस्टैंड यूजली फाउंड इन द एयर पैसेज लाइक नोज यूट्रस एंड फिलोपियन ट्यूब्स ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं एयर पैसेजेस मीन्स जो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज, नोज से लेके लंग्स तक ये तो नोज़ में प्रेजेंट होती हैं यूट्रस में प्रेजेंट होती हैं एंड फिलोपियन ट्यूब्स में है ना ये वहाँ पर जो है क्या काम करती है भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्टमेंट का प्रेजेंट होने का क्या काम है दैट मीन्स द एयर वी ब्रीथ इन क्लीन फ्राम द डिजीज है ना जो भी एयर हम ब्रीद करते हैं वो क्लीन होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम डिजीज होनी चाहिए और ये जो, जो, मतलब जो, -like जो सीलियरी मूव करते रहते हैं तो ये क्लीनिंग करते रहते हैं वहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है ना कि कोई भी जो है फॉरन uh, पार्टिकल जो है वो नाक के अंदर अगर जाएगा तो तुरंत हमें छीक आएगी तो ये इंडिकेशन देता है ना उसको क्लीनिंग करता है वहां पर कि कोई भी जो है इन्फेक्शन या कोई जर््स जो है वो उस एरिया में उस पर्टिकुलर रीजन में जो है अगर आ गए हैं तो उसको वहां से रिमूव करते हैं लंग्स में भी इनका क्या काम होता है अगर ये देखें यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स में भी प्रेजेंट है वहाँ पर ये ओवम ओवम को कैरी करने का काम करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती है ओवरी से जुड़ी होती हैं है ना और वो जो फेलोपियन ट्यूब जो है जो भी ओवरी में हमारा जो गैमेट्स बनता है ओवम के फॉर्म में उसको ये यूट्रस तक लेके आती हैं तो वो कौन लेके आता है वो सीलियाज हेल्प करते हैं ठीक है ठीके? अगर लंग्स में हमने नोज में देख लिया सेम वैसे ही अगर लंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं म्यूकस जो है आ, मतलब करते हैं म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो क्या करता है जितने भी बैक्टीरिया और जो डस्ट उस समय जो लंग्स में अगर आई होती है उसको जो है वहाँ से रिमूव करते हैं है ना लंग्स में सीलिया का क्या काम है सीलिएटेड एपिथीलियल टिश्यू का टू स्वीप म्यूकस विथ ट्रैप्ड बैक्टीरिया एंड डस्ट अवे फ्रॉम द लंग्स है ना लंग्स में जो भी बैक्टीरिया और डस्ट आए होते हैं उनको जो है वहाँ से बाहर निकालना

ये म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं एक सर्फस को जो है एक स्मूथ बनाती हैं और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक या वहाँ प्रज में प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया एंड डस्ट को जो है वहाँ से ट्रैप करके म्यूकस में लंग्स को क्लीन रखती हैं यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में ये प्रेजेंट होती हैं जहाँ पर यूट्रस फेलोपियन ट्यूब जो हैं वो ओवरी से ओवम लेके या गैमीट लेके जो है सीलिया uh, के थ्रू यूट्रस तक पहुँचाते हैं तो ये काम सीलिया जो है वो मूवमेंट में भी हेल्प करता है मीन मूवमेंट ऑफ म्यूकस म्यूकस के थ्रू ये जो है गैमीट को यूट्रस तक लाते हैं राइट तो दैट वाज अबाउट द एपिथेलियल टिश्यूज़ हमने इसमें पढ़ा था आज क्यूबॉडल एपिथेलियल टिश्यू कल्यूमर एपिथेलियल टिश्यू एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू